नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2022 में आई हुई गोस्ट राइडर सीरीज का एपिसोड 15। तो यार, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि डॉक्टर ड्यू डैनी क्रिच को हर जगह भेजकर तबाही फैला रही थी, और इसमें कुछ FBI के एजेंट भी शामिल थे। लेकिन इस बात का पता जॉनी को चल गया था और वो डैनी को बचाने आ गया। लेकिन तब तक डॉक्टर ड्यू डैनी के घोस्ट राइडर की पावर लेकर हेल में चली जाती है। अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम इंफर्नल लैब देखते हैं, जहां पर जॉनी और एजेंट वॉरर आ चुके थे। तभी जॉनी तालिया से कहता है कि मैं जानता हूं कि डैनी अंदर है, और वो भी जो डैनी को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर तुम मुझे पीछे रखना चाहती हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते ही वे दोनों अंदर घुसने लगते हैं। लेकिन तभी जॉनी और तालिया देखते हैं कि अंदर से कुछ आ रहा है, और तब इंफर्नल लैब के दरवाजे तोड़ते हुए डैनी के घोस्ट राइडर की पावर्स बाहर आने लगती है। तभी वो पावर जाने के बाद जॉनी और तालिया इन्फिनिटी लैब के अंदर घुस जाते हैं, और तब जॉनी अपने भाई डैनी को ढूंढने लगता है। लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण जॉनी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी तालिया अपनी पावर से वहाँ थोड़ा उजाला करती है, और तब उन्हें डैनी दिखा देता है। तभी जॉनी डैनी के पास आता है और डैनी को जगाने लगता है। लेकिन तभी जॉनी और तालिया को पता चलता है कि डैनी की हार्टबीट कम हो चुकी थी और वो लगभग मरने वाला था। तभी जॉनी डैनी को उठाकर अपने साथ दूसरी जगह ले जाता है। तो वही तालिया चाकू निकालती है और डॉक्टर ड्यू के असिस्टेंट के पास जाती है, जो वहां पर घायल होकर पड़ा था। तभी तालिया उस असिस्टेंट से कहती है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पूरी तरह मार डालूंगी। ये कहते ही तालिया अपनी पावर से जानने लगती है कि वहां क्या हुआ था, और तब तालिया देखती है कि डॉक्टर ड्यू ने डैनी को घोस्ट राइडर से अलग कर दिया था, जिसके कारण ही डैनी मरने की हालत में है। तभी तालिया कहती है कि डैनी ने इन्फर्नल लैब के साथ एक्सपेरिमेंट साइन किया है, क्योंकि इन्फर्नल लैब ने डैनी से वादा किया था कि वे लोग स्पिरिट ऑफ करप्शन को उससे अलग कर देंगे। लेकिन जॉनी ने कहा था कि अगर कोई स्पिरिट किसी शरीर के साथ ज्यादा टाइम तक जुड़ जाए तो वो उस शरीर का हिस्सा बन जाती है, और ठीक इसी तरह स्पिरिट ऑफ करप्शन डैनी के शरीर का हिस्सा बन चुकी है, और इसीलिए स्पिरिट अलग होने के कारण डैनी मरने की हालत में है। डॉक्टर ड्यू ने अपने भाई को खोया है, और इसीलिए उसे स्पिरिट की जरूरत है ताकि वो स्पिरिट के जरिए हेल में जाए और अपने भाई को वापस ले आए। तभी तालिया देखती है कि डॉक्टर ड्यू ने अब उस AMB में स्पिरिट ऑफ करप्शन को डाल दिया था, और वो हेल में जा चुकी है। यहाँ जॉनी डैनी को होश में लाने के लिए एडी से चोटी का जोर लगाता है, लेकिन उससे भी बात कुछ बन नहीं रही थी। तभी तालिया जॉनी के पास आती है और जॉनी से कहती है कि बिना स्पिरिट के डैनी सिर्फ एक लाश है, जिस पर जॉनी तालिया से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो मुझे बताओ। जिस पर तालिया जॉनी से कहती है कि तुम्हें हेल में जाके स्पिरिट ऑफ करप्शन को वापस लाना होगा ताकि डैनी उससे जुड़कर फिर से जिंदा हो जाए। तभी जॉनी देखता है कि पास में हेल का दरवाजा खुल चुका था। तभी जॉनी का शरीर जलने लगता है, और वो अपने दोनों हाथों से अपनी स्किन फाड़ देता है और घोस्ट राइडर बन जाता है। तभी घोस्ट राइडर देखता है कि पास में ही डैनी की बाइक थी, जिसपे अब घोस्ट राइडर बैठ जाता है और वो बाइक लेकर हेल के अंदर घुस जाता है। तभी हेल में घुसते ही हेल के सारे लोग जान जाते हैं कि घोस्ट राइडर आ चुका है, और वो उसके पास आने लगते हैं। लेकिन घोस्ट राइडर अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाता है और आगे बढ़ता है। यहाँ हम डॉक्टर ड्यू को देखते हैं, जो AMP के जरिए हेल में थी, और तब वो कहती है कि यहाँ हेल का कोई मैप नहीं है, पर मेरी ये मशीन और स्पिरिट की पावर ने यहाँ पर मैप बना दिया है, और अब इसी मैप के जरिए मैं अपने भाई तक पहुंचूंगी। ये कहते ही डॉक्टर ड्यू देखती है कि सामने कुछ डीमंस थे, इसलिए डॉक्टर ड्यू घोस्ट राइडर की पावर्स का यूज करके उन्हें मारने लगती है, और तब वो एक एक करके उन सारे डीमंस को मार डालती है, क्योंकि इन्हीं डीमंस के कारण उसका भाई मरा था। लेकिन तभी डॉक्टर ड्यू के AMP के साथ कुछ गड़बड़ होने लगती है, और वो स्पिरिट ऑफ करप्शन उस AMP से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर ड्यू उस AMP को कंट्रोल में लाके आगे बढ़ती है, और देखती है कि सामने एक गड्ढा था। तभी डॉक्टर ड्यू देखती है कि उस गड्ढे में बहुत सारे लोगों की लाश है, और डॉक्टर ड्यू को यकीन था कि इन लाशों में उसके भाई की भी होगी, इसलिए डॉक्टर ड्यू उस गड्ढे में उतर जाती है और ढूंढने लगती है कि उसका भाई कहां पर है, और तब डॉक्टर ड्यू को उसका भाई नजर आता है। लेकिन ये वो नहीं था,
बल्कि अब उसका भाई खुद एक डीमन बन चुका है। लेकिन तभी फिर से एएमपी में गड़बड़ होने लगती है और तब वो एएमपी टूटने लगता है। ये देखकर डॉक्टर ड्यू डर जाती है और वो सब कुछ कंट्रोल में लाने लगती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट ऑफ करप्शन उस एएमपी से निकलकर चली जाती है, जिसके कारण वो एएमपी टूट जाता है। अब डॉक्टर ड्यू वही लाचार पड़ी थी। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर ड्यू का भाई डिलन आ जाता है, जो अब डीमन बन चुका है, और वो डॉक्टर ड्यू से कहता है कि मैं यही हूँ मेरी प्यारी बहना। ये कहते ही डिलन अपने अंदर से एक वेपन निकालता है और डॉक्टर ड्यू से कहता है, हेल में तुम्हारा स्वागत है। ये कहते ही डिलन डॉक्टर ड्यू को मार डालता है। यहाँ कोस्ट राइडर बड़ी तेजी से बाइक भगा रहा था, लेकिन वो डीमन कोस्ट राइडर को सेंस करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन कोस्ट राइडर उन्हें मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें जॉनी की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि इस हेल में मैं यात्री हूँ, लेकिन राइडर जानता है कहाँ जाना है। ये स्पिरिट एक दूसरे को सेंस कर सकते हैं और फिलहाल इस स्पिरिट ने भी सेंस किया है। ये कहते ही गोस्ट राइडर देखता है कि सामने से स्पिरिट ऑफ करप्शन आ रहा था और वो आते ही उन सारे डीमंस को मार डालता है। तभी जॉनी गोस्ट राइडर के अंदर से स्पिरिट ऑफ करप्शन से कहता है कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। ये कहते ही वे लोग वहां से निकलते हैं। यहाँ बाल डैनी ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन तभी गोस्ट राइडर हेल से बाहर आता है। तभी गोस्ट राइडर बाहर आके उस स्पिरिट ऑफ करप्शन को फिर से डैनी के साथ जोड़ने लगता है। तभी गोस्ट राइडर डैनी को अपने सीने से लगाता है और तब जॉनी कहता है कि हाँ, स्पिरिट वापस आ चुकी है और अब दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। और तब डैनी को होश आने लगता है। तभी जॉनी बाहर आ जाता है और देखता है कि डैनी को होश आ चुका है और वो अब पूरी तरह ठीक है। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।